नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आज नगर पालिका शासन आजमगढ़ का सभासदों का प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिलकर नगर पालिका में आगामी होने वाली बोर्ड मीटिंग में पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की। सभासदों ने मंडलायुक्त को दिए ज्ञापन में कहा कि विगत एक वर्ष से नगर पालिका प्रशासन मनमान ढंग से नियमित तरीके से प्रशासन द्वारा मनमाना प्रस्ताव पास कराया जाएगा। सभासदों ने निवेदन करते हुए कहा, जनहित को देखते हुए कल आहूत बैठक में मंडलायुक्त पर्यवेक्षक नियुक्त करें जिससे प्रस्ताव का सही क्रियान्वयन हो सके। क्या कुछ कहा सभासद नगर पालिका परिषद आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। आज आप लोग कमिश्नर साहब के यहाँ सारे सभासदगण गए हुए थे, क्या मुद्दा था आप लोग का? कमिश्नर साहब के यहाँ जाने का मुख्य उद्देश्य पिछले दिनों बोर्ड की बैठक न होने से माननीय सभासदगण जो नगर की जनता से द्वारा चुनित प्रत्याशी है उनकी किसी न किसी तरह की भड़ास रही है। पिछले एक साल के कार्यकाल में एक भी बोर्ड की बैठक नहीं कराई गई और बिना बोर्ड के प्रस्ताव लिए या बिना बोर्ड के जो है मार्गदर्शन लिए अनाप शनाप प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए और इन प्रस्तावों में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्षा और वर्तमान जेई जो है इनकी मिली भगत है। इनकी मिली भगत से सारे राजस्व जो है नगर पालिका के जो धन आवंटित है उनका बंदरबांट किया जा रहा है। अपने मन चाहे ठेकेदारों को ठेका देकर नगर की जनता के धन का बंदरबांट किया जा रहा है।